बिलासपुर में मरीजों को चारपाई तथा पीठ पर ले जाते हुए का वीडियो सामने आया है। बता दें कि पहला वीडियो कुम्हलजुआड़ पंचायत के भगोट के अंतर्गत आने वाले पंगेल पालंगरी से आया है, जहां पर चारपाई में जंगल के रास्ते एक महिला मरीज को उठाकर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बावजूद इस गांव की सुध किसी भी नेता के द्वारा नहीं ली गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन और सरकारों से आग्रह किया जा चुका है, लेकिन उनकी पंचायत के इस गांव को सड़क पहुंचाने में कोई भी आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनके गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाए, अन्यथा कोरोना वायरस के समाप्त होने के बाद प्रशासन के कार्यालय के बाहर आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरा वीडियो नम्होल के डिब दगसेज क्षेत्र से आया है, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा पीठ पर महिला मरीज को सड़क तक पहुंचाया जा रहा है। वहां पर मरीज के परिजनों का कहना है कि सड़क तो उन्हें अपने पैसे से निकाली थी, लेकिन नम्होल के पूर्व प्रधान के चलते उसे किसी कारणवश बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें मरीजों को सड़क तक पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का हल किया जाए। नमस्कार जी, हम हरिजन बस्ती पड़ंगेल गांव भगौट डाघर मंझौड़ तहसील घुमारवीं ग्राम पंचायत कुमझौड़ जिला बिलासपुर के स्थायी निवासी हैं। हमारी प्रशासन से यह मांग है कि हमें आने जाने की बहुत ही असुविधा है, हमें किसी भी प्रकार की सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो घायल व्यक्ति को या लाचार व्यक्ति को सड़क तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमें लोगों को बुलाकर लाचार व्यक्ति को या रोगी को सड़क तक पहुंचाने के लिए पालकी का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम 20-25 लोगों को बुलाते हैं तो 5 या 7 लोग ही पहुंच पाते हैं और बहुत सारा समय जो है इसमें व्यतीत हो जाता है। हमारी प्रशासन से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि हमें सड़क से जोड़ा जाए। हमारी जो सड़क की मांग है ये पहले भी 2018 से चली हुई है। ये एक विभाग